तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें मैं आप लोगों को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग सा इन्फॉर्मेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोग जो पेल्टर आईसी खरीदते हो दुकान से, उसको कैसे पहले तो दुकान में ही टेस्ट करोगे कि वो ठीक है कि नहीं है। ये एक नंबर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि अगर आप लोगों ने एक पेल्टर आईसी खरीदा है तो वो ओरिजिनल है कि नहीं है, वो कैसे आप लोग टेस्ट करोगे, ठीक है। तो वैसे तो अगर देखने जाओगे, आप लोगों का दिमाग में एक चीज़ आ सकता है, ब्रांड का नाम देख के हम लोग तो जैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या सोचते हैं कि इसमें इस ब्रांड का नाम है तो ये सही है, ठीक है। लेकिन वैसा बात नहीं है। इसमें ये जो पेल्टर आईसीज मिलता है नॉर्मल दुकान में, ठीक है, तो आप लोग अगर देखोगे तो वो सारा पेल्टर आईसीज में बस उसका नंबर ही लिखा होता है, पेल्टर आईसी का नंबर, यानी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आप लोग आईसी नंबर बोल सकते हो, ठीक है। वो जैसे कि TEC 112706, ठीक है, TEC 112715, ठीक है, ये सब लिखा होता है। तो ये देख के आप लोग ये कौन सा ब्रांड का है ये कभी नहीं पता कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई अगर ब्रांड का नाम लिखा हुआ भी है तो उसका कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि आप लोग देख लो, ऐसे दुकान से ख़रीदने जाओगे वो लोग बोल देगा ये मेड इन चाइना है, हम लोग कोई इसका श्योरिटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोग उसके ऊपर देख सकते हो कि शायद कुछ ब्रांड का नाम भी हो भी सकता है, ठीक है। तो वो ब्रांड का नाम तो दुकानदार ही मार सकता है, उसका स्टिकर खरीद के तो उसके ऊपर मार ही दे सकता है या लिख भी दे सकता है, ठीक है। तो वो सब कुछ गारंटी नहीं लेता है इस चीज़ का कि ये सही एक जेन्युइन चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो प्राइस हाई होगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये शायद चीज़ मुझे जेन्युइन मिल रहा है, लेकिन वो भी कोई बात नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ दुकानदार होता है कि जो सब जो उसके पास कम दाम का भी चीज़ है उसको भी प्राइस बहुत एकदम 3x 4x करके बेचता है, ठीक है। वो लोग प्रॉफिट के लिए करता है और आप लोगों को बोलता है कि वो चीज़ जेन्युइन है, ठीक है। तो इसमें भी कोई सियोरिटी नहीं है कि प्राइस हाई होगा तो आप लोगों को जेन्युइन चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग दुकान में जा रहे हो तो दुकान में कैसे आप लोग इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो कि आप लोग जो पेल्टर आईसी ले रहे हो वो ठीक ठाक है कि नहीं है। तो उसके लिए दुकान में जाके पहले आप लोग एक पॉकेट में 9 वोल्ट का बैटरी रख सकते हो, या फिर आप लोग उसी दुकान से कोई 9 वोल्ट का बैटरी खरीद भी सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है तो वहाँ तो 9 वोल्ट का बैटरी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो वो 9 वोल्ट का बैटरी लीजिए और इसका जो 2 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद टच करके इसको देखिए कि एक साइड गर्म एक साइड हॉट हो रहा है कि नहीं। ज़्यादा टाइम मत रखिएगा, अराउंड 20-30 सेकेंड के आसपास ही आप लोगों को मालूम चल जाए कि गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एटलीस्ट होगा तो आप लोग सोच लीजिए कि ये इसका जो वायर है ये कभी से कहीं अंदर टूटा नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ को खरीद सकते हो। खरीदने के बाद जब उसको आप लोग घर में लेके आते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग उसका थोड़ा ओरिजिनलिटी टेस्ट कर सकते हो। ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा टेस्टिंग आप लोग कर सकते हो या मुझे आता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग उस पेल्टर आईसी को घर में लाए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे पकड़ लीजिए आप लोगों के पास है TEC 112715, ठीक है, इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है यही बता रहा है कि इसका जो मैक्सिमम एम्पियर कैपेसिटी है वो 15 एम्पियर, ठीक है। तो अभी आप लोग एक 12 वोल्ट 15 एम्पियर का रिकमेंडेड वोल्टेज अगर डेटा शीट देखोगे तो 12 वोल्ट होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैक्सिमम वोल्ट, वैसे तो इसका शायद 15.4 वोल्ट होता है, ठीक है। तो अगर 12 वोल्ट 15 एम्पियर का आप लोग एक सोर्स यूज़ करोगे इसको सोर्स देने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पर आप लोग इसको सोर्स दीजिए। वैसे सोर्स देने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग ज़रूर इसका जो हॉटर साइड होगा उसमें कुछ इसका कूल करने का कुछ ना कुछ एटलीस्ट यूज़ कीजिए, या तो फिर हीट सिंक एंड फैन
फैन जो कि बहुत ही कॉमन है, एयर कूल टेक्नोलॉजी होता है उसको यूज़ कीजिए, या तो फिर लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद ही इसका टेस्टिंग चालू कीजिए, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ख़राब होने से अगर बचना चाहते हो तो इसको टेस्टिंग करने से पहले एटलीस्ट पहले हीट सिंक और ऐसे कूलिंग सिस्टम कुछ इसका हॉटर साइड में इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो अभी आप लोग इसका टेस्टिंग करने जा रहे हो, आप लोग 12 वोल्ट 15 एम्पीयर का सोर्स इसमें दे दिए, देने के बाद आप लोगों को चाहिए एक एम्पीयर क्लिप मीटर जिसमें एम्पीयर रेटिंग को मेजर किया जाता है, क्लिप मीटर बोला जाता है उसको। ऐसे तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखा देता। उसको यूज करके आप लोगों को देखना है कि कितना एम्पीयर करेंट आपका जो पेल्टियर आईसी है वो खींच पा रहा है। ठीक है, वो अगर 15 एम्पीयर करेंट को खींच रहा है तो आप लोग सोच लीजिए कि ये जो आप लोगों का आईसी है ये एकदम सही आईसी आप लोग को मिला है। ठीक है, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम लोड को ही खींच रहा है, अगर उसके आसपास भी जाता है, अगर 15 एम्पीयर आप लोग देखे हो इसका रेटिंग है, मैक्सिमम रेटिंग है। ठीक है, अगर उसमें 15 एम्पीयर के जगह आप लोग सोच लीजिए कि 14 एम्पीयर या फिर 16 एम्पीयर, ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो भी रहा है तो भी आप लोग उसको मान सकते हो वो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिला है और उसका जो कैपेसिटी होगा वो थोड़ा हाई ही होगा। ठीक है, एक्चुअल में ये सारा चीज़ में डिफरेंस बस उसके अंदर का सेमीकंडक्टर जो यूज़ होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का होता है, इसीलिए ये इतना कैपेसिटी पकड़ लीजिए TEC1-12706 जो है उसका कैपेसिटी इसीलिए 6 एम्पीयर मैक्सिमम है, और ये जो TEC1-12715 है इसमें जो सेमीकंडक्टर पेयर यूज हो रहा है, ठीक है, उसका कैपेसिटी 15 एम्पीयर तक है, इसीलिए ये डिफरेंस होता है रेटिंग का। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने एक नया चीज़ सीखा है इस वीडियो से, कैसे इसका ओरिजिनलिटी टेस्ट कर सकते हो या फिर कैसे दुकान से ख़रीदने से पहले इसका टेस्ट कर सकते हो। TEC1-12706 हो गया, पकड़ लीजिए, मैक्सिमम लोग तो यही ख़रीदते हैं ना, तो इसका टेस्ट कैसे किया जाता है तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बता दिया हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो लगा है अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए इस वीडियो को, और ऐसे ही और वीडियो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वैसे तो इसमें फ्यूचर में ऐसे इसी हफ्ते के अंदर मैं फ्रिज बनाने वाला हूँ, देखना है तो सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, फिर आज के लिए टाटा।